हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। टुडे इन 10th क्लास मैथमेटिक्स वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में अभी हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले भी पढ़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज। तो मेंसुरेशन में वी विल बी डीलिंग बेसिकली विद थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की अगर अभी हम लोग बात करें तो दे विल बी ऑक्यूपाइंग सम स्पेस। द अमाउंट ऑफ मैटर और द स्पेस ऑक्यूपाइड इज टर्म्ड एज व्हाट? द वॉल्यूम। तो अभी हम लोग सबसे पहला सबसे सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप जो ले रहे हैं दैट इज अ क्यूबॉइड। तो सबसे पहला जो शेप ले रहे हैं अभी हम लोग क्यूबॉइड ले रहे हैं। तो क्यूबॉइड अभी हम लोग कहते हैं एक थ्री डायमेंशनल शेप है। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं बुक जो है आपकी कोई भी, वो क्यूबॉइडल शेप मान सकते हैं। इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये एल्टीट्यूड है। लेंथ, ब्रेथ एंड एल्टीट्यूड। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल शेप है, सिमेट्रिकल शेप है मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसे अगर हैं, तो उसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉट? वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस एंड टू व्हाट द एल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ बेस कितना आ जाएगा बच्चों इसमें? एरिया ऑफ बेस विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ एंड टू व्हाट द एल्टीट्यूड। अब जिस रूम में भी अभी हम लोग आप बैठे हैं वो भी इन मोस्ट ऑफ द केसेस रूम जो है क्यूबॉइडल शेप के होते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स कोई भी अगर आप ले लो तो उसको भी हम लोग क्यूबॉइड जैसा मान सकते हैं। This book can be considered to be what? A cuboid. और जितने भी rooms हैं mostly वो इसी shape के होते हैं, है ना? अब इनको ये चीज समझना अच्छे से, इसमें ये जो vertical portions हैं, ये जो vertical faces हैं, these are called the walls. ये walls कहलाएंगी। और walls की खासियत क्या है? उनमें height रहेगी। This is the height, है ना? ये height रहेगी। तो जितने भी इसके faces हैं उनमें अभी हम लोग क्या बोलेंगे? Altitude रहेगा। तो बच्चों अब इसमें क्यूबॉइड शेप को अगर अभी हम आपको अच्छे समझा दें तो ये जो रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट्स हैं, ये जो रेक्टेंगल जैसे दिख रहे हैं, दीज आर टर्म्ड एज द फेसेस, है ना? तो इसमें अभी हम लोग बोलेंगे ये 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 और ये चार फेसेस तो ये हो गए जो कि वॉल्स कहलाती हैं। जो ऊपर वाला सर्फेस है दैट विल बी टर्म्ड एज द रूफ। रूम के मामले में इफ यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रूम तो दिस विल बी द टॉप और दिस विल बी द रूफ। This will be what? The floor or the base. Floor बोलते हैं, base बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? Top बोलते हैं या फिर roof बोलते हैं या ceiling बोलते हैं, है ना? तो ये सारे terms इसलिए बता दिए क्योंकि अभी हम लोगों को ये सारे के सारे terms use होने वाले हैं, है ना? तो अब अगर आपको base की बात करें तो base में बच्चों क्या चीज आएगी? ये length रहेगी और ये वाला part जो है ये breadth रहेगा। तो base में बच्चों क्या आएगा? Length और breadth। आप जिस रूम में बैठे उस रूम में सोच कर देखना, दिस पार्ट इज द लेंथ और ये वाला जो पार्ट है बच्चों ये ब्रेथ है। ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड हमेशा वॉल्स में ही आएगा, है ना? तो बस ये याद रखना कि एल्टीट्यूड कहां पर आना है। तो अब इसमें क्या क्या चीज यूज होगी बच्चों देखना ध्यान से। वॉल्यूम विल बी एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस विल बी व्हाट? एल इनटू बी और इनटू द एल्टीट्यूड, ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो अभी हम लोग लेंगे वो सरफेस एरिया, और ये वाला जो सरफेस एरिया अभी हम लोग लेंगे वो लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, तो लैटरल सरफेस एरिया बच्चों किसको बोलेंगे? यही जो चारों तरफ ये वाला पार्ट है, ये जो लैटरल सरफेस एरिया है ये, इसको अभी हम लोग लैटरल सरफेस एरिया बोलेंगे, है ना? अब इसमें देखना ध्यान से, लैटरल सरफेस एरिया और द एरिया ऑफ द वॉल्स, इसमें क्या आएगा? लेंथ इनटू हाइट प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। ये फिर से इसी का एग्जांपल ले लें, इसमें क्या क्या चीज आएगी? इसमें ये लेंथ आएगा, ये हाइट आएगी। इसमें क्या आएगा? ब्रेथ और ये हाइट आएगा। इसमें क्या आएगा? इसमें ये लेंथ और ये हाइट, है ना? तो ये जितने भी वॉल्स हैं उनमें क्या क्या चीज आनी है? लेंथ हाइट और ब्रेथ हाइट, है ना? तो अब हम लोग इसको कैसा बोलेंगे बच्चों?
लेंथ हाइट दो बार आएगा, मतलब लेंथ और हाइट ये वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट, तो टू टाइम्स आएगा। फिर इसके बाद ये वाला पार्ट, तो इसमें क्या आएगा, ब्रेथ और हाइट और इसके इस तरफ वाला राइट सरफेस और लेफ्ट सरफेस, तो ये लैटरल सरफेस एरिया आ गया। तो लैटरल सरफेस एरिया अभी हम लोग बोलेंगे, आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम को अगर आप देखें तो उसमें लेंथ और हाइट आएगा, लेंथ है और ऐसे में हाइट है, ये वाला ब्रेथ है ऐसे में हाइट है, ये वाला पोर्शन इसमें लेंथ है और हाइट है, और इस तरफ वाला इसमें ब्रेथ और हाइट है। सो वी से दैट देयर विल बी टू वॉल्स लाइंग ऑन दी ऑपोजिट साइड विच विल बी हैविंग इक्वल एरियाज, इसलिए ये टू से मल्टीप्लाई किया, और इस तरफ वाला वॉल और इसके सामने वाली वॉल इनका एरिया सेम होगा, और इनमें क्या क्या आएगा, लेंथ और हाइट, और इस तरफ वाले में भी लेंथ और हाइट है। तो ये अभी हमने आपको एक बुक के एग्जाम्पल में भी बता दिया, और आप जहां रूम पर में बैठे हैं उस रूम को भी अगर आप देखोगे तो यही सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक, फिर इसके बाद बच्चों टोटल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया में अब क्या छूट गया, चारों वॉल्स से होगी तो ऊपर का बचा है, तो टोटल सर्फेस एरिया में टू एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी, सिर्फ ये लेंथ इंटू ब्रेथ ये छूट गया था। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है बच्चों, बेस में अगर आप देखो तो बेस में लेंथ और ब्रेथ रहेगी, टॉप में भी क्या चीज रहेगी आप सोच कर देखना, और अगर आप नहीं इमेजिन कर पा रहे तो इमेजिन करवाने के लिए भी हमने आपको ये बुक दिखाई है। इस बुक में बच्चों क्या चीज है, इसमें ये वाले पार्ट में लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये लेंथ ब्रेथ, ऐसे ही एक लेंथ ब्रेथ नीचे भी आएगा। तो अभी हम लोग बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया में आपको लैटरल सरफेस एरिया तो निकाल लिया है, सिर्फ आपको ऊपर का और नीचे का एरिया ऐड करना है, और ऊपर और नीचे का एरिया क्या आ जाएगा, एल बी टू टाइम्स। ये आ गया क्या, ये अभी हम लोगों को मिल गया टोटल सरफेस एरिया, और ये सारी जो इंफॉर्मेशन है किससे रिलेटेड है, क्यूबॉइड से रिलेटेड। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट अभी हम लोग इसमें ले रहे हैं क्यूब, है ना, तो ये एक रिवीजन है बच्चों, जो चीजें अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उनका एक क्विक रिवीजन ऑफ ऑल दोस फैक्ट्स। अब इसकी खासियत क्या है बच्चों, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ये सब कुछ क्यूबॉइड जैसा है, लेकिन क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल है, तो ये क्यूब आ गया। तो अब क्यूब के बारे में क्या बोल सकते हैं बच्चों, क्यूब में लेंथ विल बी इक्वल टू ब्रेथ विल बी इक्वल टू हाइट एंड सपोज दिस इज इक्वल टू ए, इसको ए लिख दिया तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा बच्चों, वॉल्यूम इज एल इंटू बी इंटू एच, ये निकाला था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एल्टीट्यूड, तो ये कितना आ जाएगा, ए इंटू ए इंटू ए, मतलब ए क्यूब आ जाएगा, ये वॉल्यूम आ गया। फिर इसके चारों वॉल्स का एरिया, चारों वॉल्स का एरिया अगर आप पूछोगे तो एरिया कितना आ जाएगा, ये लैटरल सरफेस एरिया, और एरिया ऑफ द फोर वॉल्स ये क्या था, 2LH प्लस BH, ऐसे ही कुछ था। अब इसमें क्या बोलेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है, A इंटू ए प्लस A इंटू ए, यानी ये सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 2A स्क्वायर, तो 2 इंटू 2A स्क्वायर यानी 4A स्क्वायर आ गया, और आना भी चाहिए बच्चों, क्यों आना चाहिए, क्योंकि इसमें एक सरफेस का एरिया जो आपको फेस कर रहा है, जो आपकी तरफ है, उसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ वन फेस विल बी ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर आ जाएगा, और लैटरल सरफेस में क्या चीज आ जाती है बच्चों, चार सर्फेस आ जाते हैं चारों तरफ के, इसलिए 4A स्क्वायर। अब टोटल सर्फेस एरिया में क्या आएगा, तो टोटल सर्फेस एरिया और लिख ले रहे हैं, इसमें ये और ऐड हो जाएगा बच्चों, क्या ऐड होगा, ये टॉप का, टॉप का कितना आएगा, ए इंटू ए, ऐसे ही
जो बेस है वो भी ऐड होगा, मतलब कितना आ जाएगा 2a² और ऐड हो जाएगा 2a² प्लस 4a², यानी ये 6a², है ना। तो अब देखो क्या क्या चीज आ गई इसमें, इसमें इसमें क्या क्या चीज आ गई बच्चों, इसमें वॉल्यूम आ गया ए क्यूब और लैटरल सरफेस एरिया आ गया 4a² और होल सरफेस एरिया कितना 6a², ठीक है, चीजों को याद रखना। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट थ्री डायमेंशनल फिगर जो अभी हम लोग इसमें ले रहे हैं, वो क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर बच्चों ये ऐसा कुछ शेप आएगा, इसमें ये आर बेस है का रेडियस है और ये आल्टीट्यूड है। अब हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, अब इसमें वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस इनटू एल्टीट्यूड, ये यूज कर सकते हो। बेस किस शेप का है इसमें, बेस बच्चों इसका सर्कुलर शेप का है ना। तो हम देख इधर इसमें अभी हम लोग बोलेंगे ये सिलेंड्रिकल शेप है, इस सिलेंड्रिकल शेप में बच्चों ये सर्कुलर शेप है और सर्कुलर शेप में इसका एरिया ऑफ बेस कितना आ जाएगा πr² और इनटू व्हाट द एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड बच्चों h है, तो फॉर्मूला बन गया πr² h, है ना, ये वॉल्यूम आ गया। फिर इसमें लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया मतलब अभी हम बोलते हैं चारों तरफ का ये वाला एरिया, है ना। तो अगर आपको इसमें लैटरल सरफेस एरिया अगर आपको बताना है तो ये देखो ये सारे सिलेंड्रिकल शेप हैं, आप सिर्फ इतना सा पोर्शन भर छोड़ दें तो बाकी ये पूरा सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसमें ये वाला जो है वो क्या कहलाएगा, ये कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया कहलाएगा, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया और लैटरल सरफेस एरिया, कैसे मिलेगा ये निकालने का तरीका बताओ, ये देखो अब इसमें ये अब ये लोग कहते हैं ये देखो बच्चों ये शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज व्हाट, अ सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में ये कर्व सरफेस एरिया कहलाता है, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, द कर्व सरफेस एरिया। अब इसमें इमेजिन करना अगर आप इस सिलेंडर का ये वाला एरिया अगर आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कट करना है, कट करके आपको ओपन करना है। सपोज अगर आपने इसको यहां से कट कर दिया और ओपन कर दिया तो ये कैसा शेप आ जाएगा, ये रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगा, है ना। तो अब रेक्टेंगल में कौन कौन सी चीज सिलेंडर की किस किस चीज से मैच करती है, ध्यान से देखना, जो सिलेंडर का एल्टीट्यूड है वो इस रेक्टेंगल का ब्रेथ बन जाएगा, ठीक है, अच्छे समझना सारी चीजें, और जो इसकी सरकमफेरेंस है, किसकी, बेस की जो सर्कम्फ्रेंस है, जो सिलेंड्रिकल शेप की जो सर्कम्फ्रेंस है वो रेक्टेंगल की लेंथ बन जाएगी, है ना। तो अब हमने कहा है अगर आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था तो अभी हमने इसको कट करके ओपन किया, कट करके ओपन करने पर क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, है ना। और इस रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा बच्चों कैसे मिलेगा, अभी हम लोगों ने क्या बताया था, बस याद भर रखना बच्चों इसको, देखो हमने ये बोला था कि ये इसका ये 2πr सिलेंडर का 2πr रेक्टेंगल की लेंथ बन जाएगी, है ना। तो ये आ जाएगा
लेंथ इनटू ब्रेड्थ बोला बच्चों, है ना, तो ये 2 पाई आर आ गया। और ये ब्रेड्थ क्या है, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ एक्चुअल में क्या थी, इस सिलेंडर की हाइट। ये जो सिलेंडर था, इस सिलेंडर की जो हाइट थी वो ले लो, तो ये 2 पाई आर एच, है ना। मान लो ये सारी चीजें आपको क्लियर नहीं होती हैं, तो फॉर्मूला तो दिया ही हुआ है, सब बच्चे फॉर्मूला याद करते हैं, लेकिन अभी हमने आपको क्या किया है, सारी चीजों को इमेजिन करवाने की कोशिश कर ली है कि विजुलाइज करें आप ये वॉल्यूम्स वगैरह जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आपको कर्व सर्फेस एरिया बनता है तो वो कैसे बनता है। अब ये कर्व सर्फेस एरिया तो पता चल गया, होल सर्फेस एरिया अगर लेना है तो कैसे लेंगे, होल सर्फेस एरिया में बच्चों ये वाला एरिया भी कर्व सर्फेस एरिया तो ले लिया 2 पाई आर एच, अब इसमें ये पाई आर स्क्वायर और ऐसे ही एक और रहेगा पाई आर स्क्वायर, ये और ऐड कर दो। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, होल सर्फेस एरिया ये आ जाएगा 2 पाई आर एच तो है कर्व सर्फेस एरिया प्लस क्या 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर कौन सा, नीचे का और ऊपर का दोनों एरियाज को आप ऐड कर दें, है ना। चलो अब इसमें बच्चों नेक्स्ट है कोन, नेक्स्ट जो इसमें थ्री डायमेंशनल फिगर है वो कोन है, फोर्थ ज्योमेट्रिकल शेप। अब इसमें बच्चों अभी हम लोग कहीं पर भी एरिया ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एरिया ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड हम लोग कहां पर यूज कर सकते थे, एरिया ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड हम लोग वहां पर यूज कर सकते थे जहां पर नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसे सरफेस हो, एक जैसे सरफेस हो मतलब क्या हो, सिमेट्रिकल शेप। जैसे अभी हम लोग बोलेंगे अगर आपने ये सिलेंडर को कंसिडर किया तो जितना थिक ये यहां पर है उतना ही थिक ऊपर है, उतना ही थिक यहां पर भी है, सभी जगह एक जैसी इसमें थिकनेस है। अब इसमें बच्चों अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इसकी जो थिकनेस है वो ग्रेजुअली ऊपर तक कम होती जा रही है, है ना? तो इसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा कि एरिया ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड ले लो, है ना? तो अब हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, ये आर है, ये एच है और ये एल है, इसमें ये जो शेप है ये जो लेंथ है इसको अभी हम लोग स्लांट हाइट बोलते हैं, यहां पर जो बनेगा दैट इज टर्म्ड एज व्हाट द स्लांट हाइट। हम सोच रहे हैं कुछ आपको कोनिकल शेप मिल जाए, ऐसे बच्चों ये थोड़ा सा कोन जैसा है, अगर ये पूरा ऊपर तक होता तो इसमें ये वाला ऐसे में जो हाइट है उसको अभी हम लोग क्या स्लांट हाइट बोल सकते हैं। अगर ये कोनिकल शेप में ये वाला, अगर आप आपने वो देखा होगा बर्थडे कैप, बर्थडे कैप में अगर आप इस एंड से जो बेस रहता है जो आप सिर पर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आता है उसके एक एंड से लेकर कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस है उसको एल बोलेंगे। हाइट कौन सी रहेगी, हाइट रहेगी वो कैप के सेंटर से मिडिल पॉइंट से लेके ऊपर तक का, है ना। तो ये एच आ जाएगा और वॉल्यूम इसमें बच्चों क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। इसका फॉर्मूला भी हम लोग एरिया ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड करके नहीं लेते, बस ये याद रखना। अब इसमें एल जो है दिस इज टर्म्ड एज व्हाट द स्लांट हाइट, एल जो है इसमें स्लांट हाइट है और एल की वैल्यू कैसे मिलेगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, तो बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया फिर से जो कर्व्ड है, बात ये इसको जैसा लैंग्वेज दिया उसी लैंग्वेज में अगर आप समझो तो कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चों इसका पाई इंटू आर इंटू एल आता है। अब होल सर्फेस एरिया, अब इसमें होल सर्फेस एरिया में क्या आ जाएगा, ये नीचे का बेस और ऐड हो जाएगा, टोटल सर्फेस एरिया
ये पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट है, इनमें बच्चों अभी हम लोगों ने कहीं पर भी वो हॉलो वाला पार्ट जो है ना वो डिस्कस नहीं किया। अगर आपको एक सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ है तो हॉलो सिलेंडर निकालना इजी है अभी हमें ऐसा लगता है, लेकिन किसी को भी अगर उसमें प्रॉब्लम है तो अभी हम आपको बता दें कि भाई अगर ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में से मान लीजिए ये एक वुडन सिलेंडर है, कैसा है, वुडन है, वुडन सिलेंडर। अब इसमें से आप क्या करें, इसका कुछ पोर्शन आप रिमूव कर दें अंदर से, अंदर से कितना पोर्शन रिमूव कर दें वुडन सिलेंडर में से, ये इतना हिस्सा अगर आप रिमूव कर दें तो कैसा बन जाएगा, ये हॉलो बन जाएगा अंदर, अभी आप देखेंगे दैट विल बी कंप्लीटली हॉलो। और इसकी जो रेडियस है, जो आपने हिस्सा रिमूव किया है उसकी रेडियस आ रही, तो वुड कहां पर बचेगी, वुड या मटेरियल या मेटल या जो भी है जिस चीज का भी आपने ये बनाया है। हमने होलो वाला पार्ट इसलिए डिस्कस नहीं किया, हमें लग रहा था कि प्रॉब्लम जब भी आएगा उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बताया जा रहा है। तो बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाला जो सिलेंडर है वो माइनस कर दो तो मिल जाता है पाई एच इंटू वॉट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा कुछ है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट इसमें ले ले रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल शेप जो आएगा वो स्फीयर। अभी हम आज कोशिश कर रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स ले लें, है ना, सो दैट यू डू नॉट फेस प्रॉब्लम्स इन डूइंग द क्वेश्चंस और डूइंग द एक्सरसाइज। नेक्स्ट अभी हम लोग ले रहे हैं फिफ्थ स्फीयर। स्फीयर जो है बच्चों इसका डायग्राम पॉसिबल नहीं, डायग्राम पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल अगर आपको बनाना है, पेपर का सर्कल अगर आपको कट करना है और एक फुटबॉल अगर लेनी है, दोनों का डायग्राम जो है बच्चों सेम आएगा, है ना। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द थ्री डायमेंशनल डायग्राम ऑफ अ स्फीयर, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, दिस इज नॉट अ सर्कल, ये सर्कल नहीं है बच्चों, बस ये याद रखना। तो अब इसमें देखना इसका जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम, आर इज व्हाट द रेडियस, है ना। इसमें कर्व पूरा एरिया जो है कर्व सरफेस एरिया रहेगा, भाई हमने इसमें जो है कर्व सरफेस एरिया क्यों नहीं, कर्व सरफेस एरिया क्यों नहीं निकाला, या टोटल सरफेस एरिया अलग से क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप सिलेंडर को देखो तो एक सरफेस तो रहता ही कर्व वाला, और ये वाला सरफेस कैसा है, ये फ्लैट है ना। तो अभी हमने दो टाइप के सर्फेसिस इसमें बताए हैं एक्चुअल में, एक कर्व सर्फेस है एक फ्लैट है। और बॉल में ऐसा इमेजिन करो, फुटबॉल में, तो फुटबॉल में सब कुछ कर्व्ड है ना, तो वही टोटल सर्फेस एरिया भी है वही कर्व सर्फेस एरिया, तो इसलिए अभी हम लोग कुछ नहीं लिखते इसमें, सिर्फ सर्फेस एरिया लिखते हैं। और ये सर्फेस एरिया बच्चों कितना आ जाएगा, 4πr² बस इतना सा है। ठीक, अब इसमें बच्चों यही कर्व सर्फेस एरिया रहेगा, यही होल सर्फेस एरिया रहेगा। अब आप अगर हेमिस्फीयर ले लो, सिक्स्थ पार्ट, तो हेमिस्फीयर क्या है बच्चों, देखो स्फीयर के अगर आप दो इक्वल पार्ट्स कर दें, इफ यू आर डिवाइडिंग अ स्फीयर इनटू व्हाट, टू इक्वल पार्ट्स, तो जो बचेगा एक पार्ट जो बचेगा उसको भी हम लोग हेमिस्फीयर बोल सकते हैं। तो अब इसका वॉल्यूम कितना मिलेगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा कुछ आएगा।
अब इसको कैसा बोलेंगे, 2/3 πr³। और इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, अब इसमें आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, बच्चों इमेजिन करना, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है ये कर्व्ड है, ये जो ऊपर का सरफेस रहेगा वो फ्लैट रहेगा, तो इसलिए अभी कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चों बोलेंगे कितना, 1/2 of 4πr² यानी 2πr², इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरे स्फीयर का आधा कर दिया है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 2πr². अब हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बच्चों कैसे मिलेगा, इसमें कर्व सरफेस एरिया तो लेना है 2πr², और ये जो ऊपर का है ये किस शेप का है, ये सर्कुलर शेप है, तो ये सर्कुलर शेप में बच्चों πr² और ऐड कर लो तो ये 3πr² आ जाएगा, तो ये हेमिस्फीयर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, इसमें अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये अलग से बता ही दे रहे, हेमिस्फेरिकल शेल, हेमिस्फेरिकल शेल जो है बच्चों, ये अभी हम लोग बोलते हैं ये होलो हेमिस्फीयर, इसको कह सकते हैं। अब इसमें बच्चों ध्यान से सुनना, इसमें अगर ये एक हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर में से अभी हम लोगों ने ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया और इनके रेडियसेस को अभी हम लोग मार्क कर ले रहे हैं, क्या ये इनर वाले को स्मॉल आर, बाहर वाले को कैपिटल आर, तो अब हम लोग इसमें क्या चीज बता सकते हैं बच्चों ध्यान से देखना, अभी हम लोगों को क्या क्या चीज बतानी है, वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम तो बच्चों कैसे मिलेगा, 1/2 of 4/3 πr³, बाहर वाले हेमिस्फीयर में से अंदर वाला हेमिस्फीयर माइनस कर दो, तो ये कितना जाएगा, 2/3 πR³ माइनस स्मॉल r³, ऐसा कुछ आ जाएगा, तो ये वॉल्यूम ऑफ व्हाट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल शेल। अब इसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चों कहां मिलेगा, एक बाहर मिलेगा और एक अंदर मिलेगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 2πr² 2πr², ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट है इसमें होल सर्फिस एरिया, अब होल सर्फिस एरिया में क्या, देखो कर्व सर्फिस एरिया में अभी हम लोगों ने बोला एक ये और एक अंदर वाला, दोनों ऐड कर दिए, अब होल सर्फिस एरिया अगर बोले तो इसमें क्या चीज और ऐड हो जाएगी, कर्व सर्फिस एरिया तो ले लिया बच्चों, इस कर्व सर्फिस एरिया को समझने के लिए आप घर के अंदर जो हेमिस्फेरिकल बोल यूज करते हैं, कंटेनर्स यूज करते हैं हेमिस्फेरिकल शेप के, उनको देख लेना, एक बाहर का कर्व सर्फिस एरिया रहेगा, एक अंदर का रहेगा, और अब टोटल सरफेस एरिया जब आपको लेना है तो ये कैसे मिलेगा बच्चों, ये 2πr² + 2πr² एक तो ये आएगा और इसमें ये और ऐड करना है जो रेड कलर का शेड किया, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, पाई सर्कुलर शेप है, ऐसा कुछ आएगा। अब इसमें से सभी में से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों, देखना ध्यान से, पाई कॉमन मिलेगा, तो 2r² + 2r² + R² - R², है ना, एक स्मॉल आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बन जाएगा, ये पाई × 3r²
प्लस वन स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो बस अब इस फॉर्मूले को याद रखना कि होल सरफेस एरिया अगर आपको किसी हेमिस्फीयर का छिलका लेना है तो पाई इंटू थ्री आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो बच्चों को आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज सिर्फ पूरा समय अभी हम लोग चला गया किसमें, कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने में। ऑन द नेक्स्ट टर्म वील बी स्टार्टिंग विद व्हाट द प्रॉब्लम्स और द फर्स्ट एक्सरसाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे।